क्षेत्र के पुराना मानपुर गांव में फिल्म रंगीला राजा की शूटिंग की गई। फिल्म कलाकारों की एक झलक देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसके चलते कोविड-19 और सरकार के निर्देश सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देते हुए सभी से एक मीटर दूरी बनाए रखने की अपील की गई। फिल्म में आज जो दृश्य फिल्माया गया उसमें फिल्म की हीरोइन संध्या राघवानी अपनी सहेलियों कोमल सोनाली सिंह मुस्कान के साथ कॉलेज से वापस लौट रही हैं, जहां पर रास्ते में उनकी फिल्म में हीरो छोटा खिसारी से मस्त तीखी नोकझोंक होती है। फिल्म की हीरोइन संध्या राघवानी ने अपने अभिनय और सुंदरता से सबका मन मोह लिया। मंत्री का रोल गुलशन निभा रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर सुरजीत कुमार ने मीडिया को बताया कि फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, जो हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जल्द ही तैयार होकर दर्शकों के सामने होगी। फिल्म के लेखक प्रदीप प्रेमी और गौरव कोहली ने बहुत अच्छी पटकथा लिखी है। पुराना मानपुर गांव शूटिंग के लिहाज से बेहतर, जहां प्राकृतिक परिवेश में शूटिंग करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। ये लड़कियों की गंध नहीं है, ये रोड पर पड़ा हुआ गोबर है ना, ये गोबर की गंध है। ये कोबरा किस चीन था, कोबरा क्यों हमरा के पता चल कर क्या पे आप लोग ये किस पिक्चर की शूटिंग के लिए आए हैं? ये हमारी पहले मूवी बनी थी दबंग पॉलिटिशियन, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। हमारे डायरेक्टर सर ने बताया कि अभी उसका टाइटल जो है आ नहीं रहा है, परमिशन कागज नहीं दे रहा है, तो हमने मूवी का जो नाम है चेंज कर दीजिए। क्या नाम रखा है अब क्या नाम है पिक्चर का? अब वो नाम है राजा रंगबाज। अच्छा, राजा रंगबाज जो है अब हमारी मूवी का। आपका पिक्चर में क्या किरदार है? मेरा नायक है, हीरो का रोल है। अच्छा, और ये हमारे साथ संध्या राघवानी है, ये हमारे साथ ही हमेशा काम करती है। आपका पिक्चर में क्या रोल है? और डायरेक्टर साहब आप डायरेक्टर साहब हैं? तो ये पिक्चर की जो शूटिंग हुई है आपने इसी गांव को क्यों चुना? इस गांव में देखिए जो हमारी सीन की डिमांड थी वो एक गांव है, और गांव का जो लुक होता है तो वो गांव में ही हो पाएगा, शहर में नहीं हो सकता है। यहाँ की गाय या नेचुरलिटी, पेड़ पौधे, ये सब हमको दिखाने थे, इसलिए मैंने इस गांव को चुना। तो आज किस किस दृश्यों की शूटिंग हुई है? आज हमारा एक दृश्य है कि हमारा जो नायक है वो आ रहा है, और नायिका उधर से आ रही है अपने कॉलेज से पढ़ करके, वो अपनी जो नायिका है, जो हीरोइन है, उसको छेड़ता है, उसका तो एक सीन फिल्माया जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद कहीं और शूटिंग होगी या यही इसी गांव में और भी दृश्य फिल्माए जाएंगे? नहीं नहीं, आज यहाँ पे हो रहा है और आज पूरा दिन ही चलेगा, इसके अलावा कल भी यही होगा, उसके बाद में अगली लोकेशन पे हम लोग जाएंगे। ये कब तक फिल्म आपकी तैयार होने की संभावना? ये उम्मीद करेंगे कि एक महीने के अंदर हम लोग ये पूरी फिल्म कम्प्लीट कर दें। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।